अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज फिर मैं आप लोगों के पास हाज़िर हो गई एक नई ज़बरदस्त, बहुत ही हर दिल अजीज़ रेसिपी के साथ, जिसको आप एक तरह से शाही रेसिपी भी कह सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ। और इस रेसिपी का नाम है वाइट चिकन। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया, आज हम बनाने वाले हैं वाइट चिकन। तो इसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से हैं, जिसमें हमें चॉप 3 अनियंस चाहिए, ग्रीन चिलीज एज पर योर टेस्ट। पर अगर आपके घर में बड़े हैं, फैमिलीज में छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आप ये थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में सारा जो स्पाइसेस अरोमा है, सारी इस रेसिपी की जान ये ग्रीन चिलीज। और एक और चीज़ जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, चिकन एज़ पर योर रिक्वायर्ड। और इसमें ड्राई मसालों में जाएंगे हमारे पास नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो इस रेसिपी की जान है वो है हर दिल अजीज़ क्रीम टेट्रा पैक, कोई से भी अच्छे ब्रांड के आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप ऑफ मिल्क एंड योगर्ट, 1/2 कप योगर्ट। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हम एक पॉट में ऑयल ले चुके हैं, अब हम इसमें अपने चॉप अनियन ऐड करेंगे और उसको बेबी पिंक करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमने अपने अनियंस ऐड कर दिए पैन में, और अब हम इसको बिल्कुल लाइट पिंक ट्रांसलूसेंट सा बेबी पिंक करेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होगा। जी तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि अनियन ट्रांसलूसेंट से, बेबी पिंक से, हल्के से ब्राउनिश पे आने स्टार्ट हो गए, तो हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी चिकन ऐड कर चुके हैं, अब हम इसको अच्छा सा स्टर करेंगे और बेबी पिंक कलर में चेंज करेंगे। जी तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हमारी चिकन ट्रांसपेरेंट पिंक हो चुकी है, लाइट सी बिल्कुल, तो हम इसमें अपना लहसुन अदरक और ड्राई इन्ग्रीडियंट ऐड कर देंगे। मैं बाद में इसको क्लीन कर लेती हूँ, और हम इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे 1-2 मिनट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। क्योंकि हमारी चिकन बिल्कुल फ्रेश है, तो हमने इसको ज़्यादा टेंडर नहीं करना, ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि ये अपने आप स्टीम में हो जाएगी, बिकॉज ये बिल्कुल फ्रेश है। तो हम इसको जो है 1-2 मिनट स्टर करके अच्छे से हिलाकर हम इसमें योगर्ट और मिल्क ऐड करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ऐड करके। जी तो दोस्तों, यहाँ पे हम इसको स्टर कर चुके हैं, अच्छा सा सॉटे हो गया लहसुन अदरक, तो हम इसमें 2-3 ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और बाकी हम बाद में करेंगे। और इसमें हम योगर्ट अपना ऐड कर लेंगे, और इसको मैं एंड में अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है हम कोई चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें हमने योगर्ट को भी ऐड कर दिया, और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम से हाई कर देंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ कैमरा ऑफ होने के बाद मैंने अपने योगर्ट प्लेट को अच्छे से क्लीन कर लिया था, पूरी योगर्ट सैलेड में डाल दी थी, बिकॉज मैं एक ही हाथ से कैमरा यूज़ कर रही हूँ और दूसरे से कुकिंग आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। हम अपनी कोई चीज़ उसको वेस्ट नहीं करते। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है, मीडियम से हाई पे ले आए हैं, और अब हम इसमें मिल्क भी ऐड कर देंगे और इसको एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे, ठीक है। मीडियम यहाँ पे हमने बिल्कुल स्लो नहीं करना, जैसे आप साइड पे बबल्स देख रहे हैं, हमने मीडियम टू हाई पे रखना है, लो पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना, जब तक कि इसमें हमारे पास एक बॉयल नहीं आता। क्योंकि अक्सर हमें कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि जिस तरह हम मिल्क या दही योगर्ट ऐड करते हैं किसी भी सालन में, तो ऐसा होता है कि समटाइम दूध फट जाता है, या कुछ इस तरह की हमारे पास कंप्लेंट्स होती हैं कुकिंग में। तो इसलिए हमने इसको, जब भी आप मिल्क को ऐड करेंगे किसी भी डिश में आप यूज़ कर रहे हैं, तो हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि उसमें एक अच्छा सा बॉयल आ सके, ठीक है। तो अभी इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ हम क्या करेंगे।
तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा बॉयल आना स्टार्ट हो गया, अच्छे से मीट पक रहा है। तो हम इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए इतना ही हाई फ्लेम पे रखेंगे कि योगर्ट मिल्क अच्छे से एक यकजान हो जाए, फटने का कोई डर नहीं रहे और बिल्कुल एक जान हो जाए। तो उसके बाद हम जो हमारी रिमेनिंग ग्रीन चिलीज थी, हम उनको भी ऐड कर देंगे। आपको मैं बताती चलूँ, पूरी डिश में जो टेस्ट आएगा वो यही ग्रीन चिलीज लेकर आएंगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी, पक जाएंगी सालन के साथ, तो यही वो ग्रीन चिलीज हैं जो इसके टेस्ट को, इसके अरोमा को और इन्हेंस करेंगी और बेहतर से बेहतर करके निकालेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसको हाई पे रखेंगे और फिर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो बिल्कुल फ्रेश है तो इतना टाइम नहीं लेगी। तो जब चिकन कुक होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ हम आगे क्या करेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और क्या आप उन्हें ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चिकन अच्छे से टेंडर हो गया है और ये चिकन ने थोड़ा पानी रिलीज़ किया, दूध और दही का थोड़ा सा पानी। तो अब हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। जैसा आप बबल देख रहे हैं, फ्लेम हम बिल्कुल हाई पे रखेंगे इस वक्त, जब हमें पता है हमारा चिकन डन हो गया है 70-80%। तो फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और बिल्कुल इसके साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसके साइड पे ऑयल आना शुरू होगा और ये वाटर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम आगे क्या करेंगे। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे ऑयल ऊपर आ चुका है। साइड पे अगर आप देखें तो ऑयल ऊपर आ चुका है सालन के। तो अब हमारा लास्ट स्टेज है कि हम इसमें अपनी क्रीम को ऐड कर देंगे। ये जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में क्रीम दिखाई थी, इसको ऐड कर देंगे और 1 मिनट स्टर करने के बाद हम अच्छे से इसको स्टर करेंगे और फिर हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे हमारा शाही वाइट चिकन रेडी है। ठीक है, तो मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पे हमारी वाइट चिकन तैयार है, डिश आउट है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।